नमस्कार दोस्तों। तो आज की वीडियो में दोस्तों हमारा शीर्षक है सीखें कीबोर्ड बजाना पार्ट वन। जी हाँ, सीखें कीबोर्ड बजाना पार्ट वन। तो दोस्तों कीबोर्ड में सैकड़ों तरह की वॉइसें होती हैं और हर आवाज पे उंगली चलाने का तरीका अलग अलग होता है। जी हाँ, बहुत से लोग कहते हैं कि कीबोर्ड बजाने में है ही क्या, हारमोनियम की तरह बजा देते हैं। ठीक है, किसी भी गाने की धुन तो आप निकाल लोगे उस पर हारमोनियम की तरह, अच्छी बात है, लेकिन सैकड़ों आवाजें होती हैं, उनमें हर आवाज पे अलग अलग तरीके से उंगली चलाई जाती है और कीबोर्ड पे खाली ऐसा तो नहीं है गाने की धुन ही बजाई जाए, पूरा म्यूजिक कंपोज किया जाता है कीबोर्ड से। तो हर वॉइस का तरीका अलग अलग तरीका होता है फिंगर्स चलाने का। तो कीबोर्ड सीखने की सबसे पहली शुरुआत आज हम आपको बताते हैं। कीबोर्ड में दोस्तों दोनों हाथों का ओपन होना बहुत जरूरी है। देख रहे हैं आप मेरे दोनों हाथ चल रहे हैं, जो फर्स्ट लेसन है अलंकार बजाना और दोनों हाथों से बजाना, दोनों हाथों की किस तरीके से की जाएगी ये हम आपको विशेष तौर से बताएंगे। सबसे पहले आप मेट्रोनोम का सबसे पहले अपने गुरु से सारे गामा पाधानी साहब सीखिए। सारे एक हाथ का आपने अभ्यास किया, दूसरे हाथ से बजाइए। देखिए उल्टे हाथ से सारे इस तरीके से ये अभ्यास कीजिए, सीधे हाथ का तो बहुत फास्ट चला जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से पहले सीधे हाथ का अभ्यास, फिर उल्टे का। उल्टे का हालांकि सीधे के बराबर तो नहीं हो सकता क्योंकि पियानो हम काफी बाद में जाके सीखना शुरू करते हैं। जो व्यक्ति शुरुआत से ही पियानो सीखेगा, कीबोर्ड सीखेगा, तो उसका टीचर उसको शुरू से ही उल्टे हाथ का अभ्यास देगा। लेकिन बहुत से लोग होते हैं शुरुआत में पहले हारमोनियम सीखते हैं या कोई और इंस्ट्रूमेंट सीखते हैं, तो उन चीजों पे हारमोनियम जैसा सीखा किसी ने तो उसमें सीधा हाथ का उपयोग ज्यादा होता है, तो सीधे हाथ की तो आदत पड़ जाती है, उल्टा हाथ जाम रहता है, तो इसलिए उल्टा हाथ सीधे के बराबर नहीं चल पाता। हमने भी पहले हारमोनियम से शिक्षा ली थी कीबोर्ड पे बाद में आए, इसलिए हमारा सीधे के बराबर उल्टा हाथ हमारा भी नहीं चलेगा, हम इस बात को बता रहे। देखो सीधे पे कितनी जल्दी चल रहा है, ये, लेकिन उल्टे से हम इतनी तेज नहीं बजा पाएंगे। उल्टे से इतना
और भी तेज बजा सकते हैं इससे भी उल्टे से भी, लेकिन सीधे के बराबर नहीं है मुकाबला। तो दोनों ही कीबोर्ड में दोनों ही हाथों की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों सबसे पहले शुरुआत करेंगे, पहले अलंकार का ही अभ्यास हमें काफी करना पड़ता है। जैसे अभी बताया पहले सिलो बजाएंगे, सारी गामा पाधानी सा, सारी गामा पाधानी सा, मेट्रोनोम आप यूज कीजिए कीबोर्ड का, ये एक एक पल्स के साथ एक एक स्वर लगाइए, सारी गामा सारी धा पा मा धा रे सा, उल्टा सारी एक साथ अभ्यास पल्स के साथ, इसी का हम दोगुन लेंगे, सारी गामा पाधानी सा सारी धा पा मा धा रे सा, सारी गामा पाधानी सा सारी धा पा मा धा रे सा। अब उल्टे हाथ से देखेंगे, सारी गामा पाधानी सा सारी धा पा मा धा रे सा, सारी गामा पाधानी सा सारी धा पा मा धा रे सा। दोगुन मतलब एक पल्स पे दो स्वरों की आवाज, टिक टिक सारी, एक पल्स पे सारी, दूसरी पल्स पे गामा, कैसे सारी गामा पाधानी सा, सारी गामा पाधानी सा, पहले हमने लिया था एक एक पल्स पे एक एक स्वर, सारी गामा पाधानी सा सारी गामा पाधानी सा। अब दो गुना मिलेंगे, एक पल्स पे दो स्वर, सारी गामा पाधानी सा सारी गामा पाधानी सा, सारी गामा पाधानी सा सारी गामा, ये उल्टे हाथ से लिया, अब सीधे हाथ से करेंगे, सारी गामा पाधानी सा सारी धा पा मा धा, सारी गामा पाधानी सा सारी धा पा मा धा रे सा। ये दोगुन में हुआ, अब दोनों हाथों से लेंगे इसी में, सारी गामा पाधानी सा सारी धा पा मा धा रे सा, सारी गामा पाधानी सा सारी धा पा मा धा रे सा, सारी गामा पाधानी सा सारी धा पा मा धा रे सा। पल्स पे इतनी स्पीड में चौगुन में लेंगे, सीधे हाथ से लिया उल्टे हाथ से देखेंगे, ये इस तरीके से करना है मेट्रोनोम के साथ। अगर बाकी का लेसन दोस्तों हम सीखे कीबोर्ड पार्ट टू में लेकर आएंगे आपके लिए, फिलहाल आप इतना ही अभ्यास करें, उंगलियां खोलें, और यदि आपको वोकल का शौक है तो सात सात स्वरों के आवाज मिला मिला के गले से इन स्वरों का विस्तार करें, गाएं इसको तो गले पे भी स्वर पैदा होने शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना कमेंट भी आप हमको भेज सकते हैं। धन्यवाद।